तो ये है हमारा गांव वाला घर। तो आज हम आप लोग को टूर कराएंगे अपने गांव वाले घर का। मेरी शादी भी यहीं से हुई थी, बारात यहीं आई थी, इसी घर से मेरी विदाई भी हुई थी, इसी घर में मेरी शादी हुई थी, यहीं पे मैं पैदा हुई, यहाँ से मैंने 12th किया है। मेरा बनारस सिटी में भी घर है, लेकिन मेन घर हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे खेती बाड़ी जो रहता है गाँव में, वो सारा हमारा यहीं पे है। तो यही हमारा मेन घर है यहाँ पे। हमारे ये हमारे दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी जो बोलते है वही है ये। तो अभी हम लोग रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गाँव। तो सब लोग रेडी हो चुका है, तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। ये है हमारे गोलू मामा। गोलू मामा हाय गाइस। गाइस मैं रेडी हो गई हूं, हम लोग जा रहे हैं गाँव। और जा रही हूँ अपने गाँव कब से थी। बहुत लेट हो चुका है, हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। तो चलते हैं अपने गांव और दिखाते हैं आप लोगों को अपने गांव वाला घर, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, जहाँ पे मेरा बचपन जहाँ पे बीता था और मतलब जहाँ पे मैं पैदा हुई और जहाँ पे मैं बड़ी भी हुई, जहाँ पे मेरा पूरा बचपन बीता है। उसके बाद हम लोग बनारस शहर में शिफ्ट हुए थे। तो मैं आज आपको अपना गाँव दिखाऊँगी, अपना गाँव वाला घर दिखाऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। लेट्स गो गाइस। So, सावन में बनारस में बहुत सारे कांवड़िए आते हैं बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए। और हम लोग निकल चुके हैं गांव के लिए, आज जा रहे हैं अपने गांव। अनायसा जा रही है, बेबो, आराध्या, मम्मी, यही है नितेश मालिक की बस। हमारे पिता जी का ट्रैवल का बिजनेस है, भागवत ट्रैवल्स के नाम वो कहाँ है, हम ही कर रहे थे। और ये विनोद पीछे है, विनोद कहाँ पीछे है कि आगे? राजेश जब से नौकरी कर रहे हैं, जब से 22 साल से इसी बस पे हो ना? 22 साल ज्यादा हुआ, 22 साल सेम कंपनी में होना नौकरी कर। 22-23 साल से कम नहीं हो गया, और ही ज्यादा हो गया होगा। हम लोग छोटे छोटे थे तब से मैं इनको देख रही हूँ। जब मैं स्कूल जाती थी तब से राजेश हमारे यहाँ काम करते हैं। छोटे छोटे थे हम लोग, जाते थे स्कूल बस से, तो राजेश तब से मैं देख रही हूँ मेरे बस पे कंडक्टर का काम करता है। तब इसकी उम्र खुद ही बहुत छोटी है, 18-20 साल का रहा होगा जब से ये काम कर रहा है ये आदमी हमारे यहाँ बस पे कंडक्टर। ये हमारी दूसरी बस है। ये क्या नाम है? नहीं वही जो लाइन से कुल होटल वा कैंटोनमेंट वाला, जिमे रेडिसन है, रमाडा है, जेएचबी मॉल है, और उसके बाद क्लार्क है, मदीन है, एक में बहुत सारे सारे होटल उसी में। और कितना देना है खर्चो कर हम बताओ थे आज हम सवारी नान देख ले 10-12 साल। तू कितना साल से काम कर रहा है? बहनी कहिया काई ले, कितने साल से काम कर रहे हो बताओ जल्दी। कंपनी में टाइगर कंपनी में कब से काम कर रहे हैं आप? 35 साल। 35 साल हो गया, पूरा उम्र यहीं गुजर गया। हाँ? पूरा उम्र यहीं गुजर गया। और का कहाँ जाएगी मैं? अब गत्ते गत्ते घाट पे जाए वाला टाइम।
तो गाड़ी में काम नहीं ना काम नहीं है कार क्या करी हेलो हेलो खोली की बनवाई बनवाई नहीं खोला हेलो कार जाके अपना ये खुलवा के उसमें दो क्लेम में हम सो गाइस हम लोग आ चुके हैं कब से ठीक चौराहा पहुंच चुके हैं और हमारा जो गांव का घर है वो कपसेठी में है तो ये है कपसेठी ये जो रोड है ये जाता है सीधा एयरपोर्ट और ये जाता है भदोही और इस साइड का जो जाता है वो जाता है इलाहाबाद पीछे वाला जो है वो बनारस तो ये है कपसेठी चौराहा और यहाँ पे मिलता है बहुत ही फेमस ब्रेड पकौड़ा मिलता है फेमस ब्रेड पकौड़ा जो कि हम बचपन में बहुत खाए जब स्कूल से आते थे तो ब्रेड पकौड़ा लेके जाके मिलता था हमें हमारा बस वाला दिलाता था हमको रोज ब्रेड पकौड़ा सुबह भी नहीं खोले तो हम लोग रुके हैं अभी यहाँ पे करेंगे कुछ नाश्ता क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था बस चाय वाय पी के निकल गए थे तो अभी हम लोग ब्रेड पकौड़ा मंगाए हैं और यहाँ का ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है बचपन में मैंने बहुत ब्रेड पकौड़ा खाया है आज भी खाऊंगी नितेश ब्रेड पकौड़ा मांगता नितेश ले रहा है यहाँ पे मिठाइयाँ चुका है गरम गरम ब्रेड पकौड़े और अभी खाते हैं हम लोग बहुत टेस्टी है और ये मैं जब गांव आती हूँ तब ये खाती हूँ अच्छा ना दादा ये हम लोग घर पर आ चुके हैं एंटर करने वाले हैं कपसेठी वाले घर पर सो गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव वाले घर पे तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोग को मिलवाते हैं अपने गांव वाली फैमिली से यहाँ पे मेरे दो चाचा रहते हैं परमानेंट बाकी के लोग बनारस रहते हैं तो यहाँ पे हैं मेरे बीच वाले दो चाचा रहते हैं परमानेंट रहते हैं पहले हमारा गांव वाला जो बाउंड्री है ये सब घर और बहुत मेंटेन था बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे अब तो सब हट गया है पहले नौकर था मेंटेन था अब नहीं है तो अब नहीं है मेंटेन अब हम लोग भी रहते नहीं हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग बनारस शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे दो ही लोग बचे हैं यहाँ पे तो फिर यहाँ पे हमने पानी वानी पिया और यहाँ पे बैठी हैं मेरी चाची हैं चाचा थे यहाँ पे बैठे थे और दोपहर का टाइम ही था हम लोग अंडे में बरामदे में बैठे थे हम लोग और उसके बाद फिर अंदर गए अंदर रूम में फिर यहाँ पे बैठे यहाँ पे मेरे एक कज़न है उसके उसको बेटी हुई थी चार महीने पहले और ये चार महीने की उसकी बेटी है तो मैंने उसको देखा गोदी में लिया और यहाँ पे अंदर भी ये लोग थी तो अंदर इन लोग से मिले तो यही है हमारा गाँव वाला घर ये जो है ये सब मेरी भाभी हैं दोनों चाचा की बहू हैं ये लोग यहीं पे रहते हैं गांव वाले घर में तो गांव पे लेकिन बहुत अच्छा लगता है लेकिन वही है कि हम रह नहीं पाते क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल तंग कर देते हैं शाम तक हमें लौटना पड़ता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन बच्चों की वजह से मैं भी नहीं रुक पाती हूँ गाँव वाले घर पर नहीं तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर शाम उनके टाइम बाहर बाउंड्री में बैठो टहलो बहुत अच्छा लगता है लोग आते जाते हैं मिलने बहुत अच्छा लगता है ये है हमारा गांव वाला घर ये है मेरी दादी और ये हैं दादाजी मेरे और ये है मेरी दादी दोनों लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में लेकिन मेरी दादी के साथ बहुत सारी यादें हैं इनके दादा के साथ नहीं है बहुत पहले ही चले गए थे जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे साल दो साल की थी तभी ये है हमारा घर गांव वाला घर है ये हमारा धूप है अभी सो गाइस हमारे बाउंड्री में भोले बाबा का मंदिर भी है जो सो ये पीपल का पेड़ हमारे बाउंड्री के अंदर और यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान हैं स्वयं प्रकट हुए थे बाबा भोलेनाथ यहाँ पे जो पत्थर आप देख रहे हैं ये साधारण पत्थर था एकदम प्लेन पत्थर जो कि ऐसे ही फेंका हुआ था
ये जो उसमें मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये खुद ब खुद अपने आप शेप में बनी थी, किसी से बनवाए नहीं गए हैं ये। मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने इस पत्थर से ये देवी देवता को निकलते हुए देखा था। पहले बहुत छोटे छोटे शेप बने थे, फिर ये बाद में अपने आप क्लियर हो गए। तो ये अद्भुत चीज़ है जो हमारे बाउंड्री के अंदर है और बहुत ही अच्छा। अभी यहाँ पे ये वॉल गिरा दिया गया है क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ पे काम करवाना है इन लोग को, मंदिर को अच्छे से थोड़ा सा बनाएंगे। अच्छा, दादा परदादा के जमाने से हैं बाबा यहाँ पे। और ये है, ये सब सारी जमीनें हम लोगों की हैं, सारा दूर दूर तक ये सब खेत है। मेरे भाई की बेटी जो जिसकी आईज है ना ब्लू कलर की है, कितनी क्यूट है ना ये, मैं इसकी बुआ हूँ। देखो इसकी ब्लू ब्लू आईज है। तो दो हाय गाइस करो, हाय करो, हाय चिप दे दो गाइस को। देखो बेटू इधर देखो, इधर देखो, दे दो अभी दीदी को, दे दो एक दीदी को, दे दो। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। सो ये वो घर है जहाँ पे मैं पैदा हुई, जहाँ पे मैं बड़ी हुई। मैंने 12 तक मैं यहीं इसी घर में थी। ये घर हमारा बनारस से ज़्यादा दूर नहीं है, बस बाई रोड, मतलब आधा घंटा लगता है शहर से यहाँ आने में। आउटर पे है लेकिन है बनारस डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और ये पूरी बाउंड्री है बहुत बड़ी सी ये, और ये है इसका मेन गेट। और ये देखिए पीछे मेरा घर। सो ये गाइस हम लोग का गांव वाला घर है ये हमारा, क्योंकि बहुत बड़ा है। और ये पीछे हमारी बस भी खड़ी है यहाँ पे। तो ये हमारा घर है, यहाँ पे मैं पैदा हुई थी और मैंने 12th जो है यहाँ से ही कंप्लीट किया था, मतलब इसी घर में रह के। और उसके बाद 12th करने के बाद फिर हम बनारस गए थे, फिर बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई थी। तो यही वो घर है, फिर मेरी शादी भी यहीं से हुई थी, बारात यहीं आई थी, इसी घर से मेरी विदाई भी हुई थी, इसी घर में मेरी शादी हुई थी, यहीं पे मैं पैदा हुई, यहाँ से मैंने 12th किया है। मेरा बनारस सिटी में भी घर है लेकिन मेन घर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पिताजी का जन्म हुआ। मतलब जो ये घर है वाला घर हमारा पुश्तैनी घर है, हमारा गाँव वाला घर है। यहाँ का घर और यहाँ पे खेती बाड़ी जो रहता है गाँव में, वो सारा हमारा यहीं पे है, यही हमारा मेन घर है। यहाँ पे हमारे ये हमारे दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी जो बोलते हैं वही है ये। पर ये घर बनवाया हुआ मेरे पापा के हाथ से, ये मेरे पापा ने बनाया था जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तब से ये बना हुआ है। तो ये नया नहीं है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा भी है। सो गाइज ये है हमारा मेन गेट और यहाँ पे जस्ट ये है रोड 6 लेन। और ये रोड और भी बड़ा होने वाला है, चौड़ा होने वाला है, पूरा हमारा गेट तक जाएगा रोड। और ये हमारा मेन गेट है, ये मेन रोड है, मेन रोड से जस्ट ये है मेन गेट, यहाँ से इंटर करिए। और ये इतना बड़ा घर है हमारा, वहाँ पे सब लोग खड़े हैं, ये बहुत बड़ा है। इसके जो घर के बगल में है उधर भी लेडीज़ के लिए बाउंड्री है, जहाँ पे लेडीज़ लोग आराम से रह सकती हैं, और इधर आदमियों लोग के लिए ही, जैसे आदमी लोग आए तो सेपरेट रहे। और इधर हमारी बस खड़ी है, ये बहुत बहुत बड़ा पार्किंग है, बहुत बड़ा बाउंड्री है हमारा पूरा, वो देख रहे हैं वॉल वहाँ तक है पूरा। और ये हमारे ब्रदर्स लोग हैं जो खड़े हैं, ये सारे नहीं हैं, ये है मेरा ब्रदर। ये मैं सो गाइज मैं अभी आप लोग को अपने फेवरेट ब्रदर से मिलाती हूँ, कजन से। तो ये है टिंकू ब्रदर, टिंकू मेरे से 1 साल छोटा है। हम और टिंकू यहाँ पे हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम लोग का बहुत पटता था ये। तो ये मेरा और टिंकू का बहुत पटता था, ये मेरे चाचा का लड़का है और हम लोग में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ तो बचपन में, मतलब अभी भी पढ़ता है लेकिन मतलब बचपन की बात करें, मतलब होता है ना कि बच्चे जब बच्चे रहते छोटे तो कभी ना कभी झगड़ा हो जाता था किसी से, पर ये मतलब टिंकू से हम लोग का कभी भी नहीं हुआ ना। टिंकू ना कभी भी नहीं हुआ, हम लोग मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब काफी अच्छा बॉन्डिंग था। और टिंकू और मैं पढ़ने में भी सबसे अच्छे थे, इसलिए भी हमारी पढ़ती थी ना टिंकू। और ये टिंकू की बिटिया कहाँ गई, वो जो गोरी गोरी थी ब्लू कलर की आईज थी, वो टिंकू की इसी की बेटी है।
ब्लू आईज वाली वो आ रही है, डांट रही है। आ जाओ, फुल एटीट्यूड में रहती है ये गोरी, एकदम अंग्रेज की तरह है। इधर देखो बेटा, हाय कर दो, हाय कर दो। अरे यार ये हाय करो, आईज इसकी एकदम ब्लू कलर की है, बहुत क्यूट लगती है। इधर देखो, किधर देख लो, हाय करो, हाय करो। तो गाइस ये है मेरे चाचा, ये यहीं पे रहते हैं और ये सबसे अच्छे सबसे ईमानदार चाचा है मेरे। क्या सुनते, सबसे अच्छा, बहुत अच्छे हैं ये, इनसे अच्छा कोई नहीं है मेरे पूरे खानदान में। और ये हैं, ये और ये टिंकू और ये खानदान का सेकंड, ये जो चाचा थे इनकी बड़ी बहू और ये बड़ा बेटा और ये छोटी बेटी और बड़ी वाली जो ब्लू आईज वाली वो थी। और ये हैं काजल, ये काजल को आप लोग पहले देखे होंगे शायद एक वीडियो में जब हम लोग पूरी पिक्चर में ये काजल गोदलिया वाले शॉपिंग में, हाँ शॉपिंग वाला वीडियो जो था गोदलिया का उसमें ये थी। और ये जो अभी दिखाए हैं ये छोटी है और वो बड़ी है, ये दो दिन रानी जेठानी है, तो ये काजल रानी है। हमारा घर अंदर से ऐसा दिखता है, ये है एक भौजी हमारी, ये है पूरा। और ये वाला रूम ये मेरी मम्मी का रूम है, इधर दूसरा दरवाजा है अंदर जाने बाहर जाने के लिए, और इधर मेन दरवाजा है। और ये मेरा चाचा है, ये मेरे चाचा है, ये बच्चा है, मेरे चाचा की चाची है, हमारी चाची है, ये मेरी मम्मी के बाद वाली, मेरी मम्मी के दूसरे नंबर वाली है, ये जो चाचा थे उन्हीं की वाइफ है ये। तई दत्ती हो, दिखाई दे आपको, दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे। ये मेरे चाचा का रूम है, चलो हमारे लिए बन रहा है स्पेशल खाना, बाटी चोखा दाल, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग। ये मेरी चाची बना रही हैं आग पे, ये मेरी चाची है, बाटी चोखा यहाँ पे बन रहा है हम लोग के लिए स्पेशल, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने बोला था भाई यही खिलाना मुझे। ए बच्ची थोड़ा गाना सुना दो, हाँ ठीक है चलो तुम बैठ जाना, बोलो गाना गाओ चलो। डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह, अरे इसकी बैंड की मजे मजे रे, चला कर आपको दुआ की, चलो ले बाबू मिला रखे आज तक रखे। ये है मेरे चाचा, बहुत सस्ती गाड़ी है, चले। सो गाइस इसके आगे का वीडियो गांव वाला मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा, पार्ट टू में। तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मैं वीडियो में, बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी।